पाकिस्तान की तरफ से कल कुपवारा के नौगाम सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन इन सब के बीच दुखद खबर ये कि भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए। एक शुभम शर्मा, जो कि जम्मू के आरसपुरा सेक्टर के रहने वाले हैं, और उनका पार्थिव शरीर उनके गाँव आरसपुरा लाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये शुभम शर्मा, शहीद शुभम शर्मा का पार्थिव शरीर जो है वो अभी इनके गाँव पहुंच चुका है, और जन सैलाब आप देख सकते हैं, दूर दूर से लोग जो है वो यहां पे पहुंचे हैं। शुभम का पार्थिव शरीर जो है वो यहां पे पहुंचा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनके माँ बाप जो है वो यहां पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरा हजूम जो है वो उमड़ा पड़ा है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, लेकिन इस समय गांव की हालत आप देख सकते हैं, दूर दूर से गांव वाले जो है शुभम के आखिरी विदाई के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारत माता की जय के जयगो जो है वो यहां पे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात यहां पे की जा रही है, और लगातार गांव वाले जो है वो गुस्से में हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ये गांव वालों का कहना। और यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से दूर दूर से गांव वाले जो है वो यहां पे पहुंचे हुए, जन सैलाब आप देख सकते हैं, हाथों में तिरंगा लिए यहां आरसपुरा यानी कि जम्मू के लोग जो है वो यहां पे शुभम की आखिरी विदाई में पहुंचे हुए हैं। लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ शुभम के गाँव आरसपुरा में, जहाँ पे अभी उनका पार्थिव शरीर जो है वो लाया गया है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए आरसपुरा सेक्टर से। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,